जिसने तीन जनरेशन को एक ही मंच पर लाया वो है डांस दीवाने, जिसने एज बैरियर को हटा दिया वो है डांस दीवाने, जिसने बिना किसी बंदिश बिना किसी रोक टोक डांस के दीवानों के लिए प्योर डांसिंग का वादा निभाया वो है डांस दीवाने। आप सबको फुल टू एंटरटेनमेंट से गदर मचा दिया वो है डांस दीवाने। तो डांस दीवाने के लिए जोरदार तालियां। सो वेलकम टू द लॉन्च ऑफ डांस दीवाने। फिर से बोलूंगा, वेलकम टू द लॉन्च ऑफ कोलगेट प्रेजेंट्स डांस दीवाने सीजन 2। ओके, बहुत अच्छा रिस्पांस था। मुझे पता है मीडिया वाले ताली नहीं बजाते, उनके हाथ में कैमरे होते हैं, फोन होते हैं, तो आई फॉरगिव यू ऑल फॉर दैट। हम एडिट पे लगा लेंगे, ठीक है, जैसे हम हर बार लगा देते हैं। ओके, तो अब शो शुरू करते हैं। सबसे पहले उस जनरेशन को बुलाएंगे जिसकी वजह से ये शो सुपर हिट है, यानी कि जनरेशन 3, जिसमें है सबसे ज्यादा एनर्जी। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, धड़क के राइटर डायरेक्टर, द कूल, द वन हु हैज द स्वैग, थोड़े से है शैतान शशांक खेतान। और उनके साथ आ रहे हैं जनरेशन 3 के रघु और सोम्याश्री। तो जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए प्लीज। क्या बात है यार। हेलो ताऊ जी, कैसे हैं आप? गले मिलिए, गले मिलिए। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आइए यार। रघु, रघु जी, सोम्याश्री जी, आपने तो आग लगा दी स्टेज पे यार। मीडिया वाले भी हैरान है कि इतनी एनर्जी कैसे लाते हो आप लोग। मतलब ये 44 के हैं और हिप हॉप के देसी टॉप हैं, और आप में कहाँ से आई इतनी एनर्जी? मुर्गा क्या? मुर्गा, मुर्गा खाने का शक्ति आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। मुर्गा खा के शक्ति आती है? हाँ। ये किसने कहा? वो देखिए पनीर खा के कैसे हो गए हैं। अरे शाकाहारी लोग मेरे को क्षमा करो, मेरे को आदत है मुर्गा खाने का। अच्छा, आपको इनको मुर्गी खाने की आदत है? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ तो मैंने मुर्गी खाना बंद कर दिया। नाउ आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। सर, आपने वो सुना है घर की मुर्गी दाल बराबर? करेक्ट। तो उसका मतलब मुर्गी बोलती है, नहीं समझा पर मैंने सुना जरूर है। एंड यू आर लुकिंग वेरी यंग अर्जुन। लुकिंग वेरी यंग, क्या कहा आपने? लुकिंग वेरी यंग। हाँ, क्योंकि मुझे आपको बोलना चाहिए, जनरेशन 3 का प्रतिनिधित्व बना दिया है। सो आई माइट जस्ट टेल यू कि ये करेक्ट है, ये मुझसे बड़े हैं और ये मुझसे छोटी है, तो मैं करेक्टली जनरेशन 3 का ही हूँ सर। ये ठीक है, स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि आप जनरेशन 3 को यू नो प्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन आप लगते जनरेशन 1 के हो सर। थैंक्स। बाद में वो जो चेक दे वो बोल देना, ठीक है? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच ताऊ जी, आई मीन शशांक, मुंह से ही निकल जा रहा है, सॉरी सो मच। आप मेरे दिल के छल्ले हो, लाइफ में बल्ले बल्ले हो। ओके, थैंक यू सो मच रघु जी, थैंक यू सोम्याश्री जी, थैंक यू। ओके, जोरदार तालियां हो जाए यार, इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया इन लोगों ने। तो चलिए मिलते हैं डांस दीवाने के फियरी जनरेशन 2 से। मतलब इनका टैलेंट के बारे में, इनके टैलेंट के बारे में जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। जिनकी डांस को लेकर नीयत भी 100% प्योर है, बुलाए जनरेशन 2 से। किसको, कौन आने वाला है, गैस कर सकते हो आप लोग? सबसे पहले तो मैं मेरे प्रिय दोस्त तुषार का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। वो इंडिया के एस कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने ए दिले मुश्किल, ओके जानू, हेट स्टोरी 4 और कई सारी फिल्मों में कमाल की कोरियोग्राफी की है। तो एक बार तुषार कालिया के लिए हमारे जोरदार तालियां हो जाए। यस, और उनके साथ आ रहे हैं द टटिंग किंग परमदीत, और दूसरी ओर जो बेली से करा दे बल्ले बल्ले शाइना। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम गाइस। The body heat, the raw sexy marriage.
मिस्टर कठोर क्या परफॉर्म किया यार तुमने, दो यार माइक दो इसे। वैसे एक बात बताऊं, बहुत फिट लग रहा है यार। थैंक यू सो मच अर्जुन यार, थैंक यू सो मच, सच में बहुत फिट लग रहा है। थैंक यू सो मच। शो आगे बढ़ाते ना, डांस दीवाने की बात करते हैं, इधर की बातें क्यों कर रहे हो? अरे यार तुम्हारी बात कर रहा हूँ, कम है क्या? चलो ठीक है, मैं आप सबको बता दूं, मीडिया वालों को, कि तुषार ने हम सबको प्रॉमिस किया है कि 235 बार वो इस शो में शर्ट उतारेगा, शर्ट या टी शर्ट जो आपको पसंद है। पैंट का कॉन्ट्रैक्ट में है, वो अर्जुन के पास कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत बहुत मुश्किलों के साथ हमने तुषार को साइन किया है, बहुत दिक्कत हुई शर्ट को उतारने के चक्कर में, लेकिन फाइनली वो मान गया है। तो थैंक यू सो मच तुषार कि आपने शर्ट उतारने के। मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार अर्जुन, अब तो मैं आपके आगे पड़ जाता हूँ, मुझे क्या है, कहाँ पढ़ू, पीछे या आगे? अरे अब तो आप भी बहुत फिट हो गए, मैं शशांक बहुत फिट हो गए यार, अब तो शशांक को उतारनी चाहिए। यस यस फिट हो जाएगा, लेकिन देखो मीडिया वाले यहाँ पर आए, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जाते जाते आप प्लीज उनको एब्स दिखा दो, आओ। अरे यार एक लड़का हो गया तो लड़की की बॉडी एब्स क्यों देखना चाहते हैं, मुझे बता। आप देखना चाहते हैं एब्स तुषार के? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, दिखा दे। अरे यार ले, दिस इज फॉर अर्जुन। देखिए मीडिया में से कोई इसे छूना चाहे तो 100 रुपया आप दे सकते हैं। एक्चुअली ये सब बंद कर दू, तुझे हाँ। पता है ना तुझे अभी किसको इंट्रोड्यूस करना है, किसको किसको स्टेज पे बुलाना किसको? है अपनी सिस्टर को। तो आप पहले वो काम कर लीजिए, बाकी काम हम करते रहेंगे। देख तू जिनकी बात कर रहा है ना, वो थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ हो गया, वरना वो मेरी सिस्टर नहीं, मैं उनका मिस्टर होता, समझा? नहीं समझा भाई। नहीं समझा, तू जा मैं इनको समझाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू ब्रो। ठीक है, हाय, लड़कियां शर्मा रही हैं एब्स देख के, मजा आ गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हो गया है फॉर द क्रेजीएस्ट जनरेशन, द जनरेशन फन, या मैं कहूं जनरेशन वन। और कौन आ रही है, हम सब की धक 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 गर्ल, आवर वेरी ओन माधुरी दीक्षित, और उनके साथ आ रहे हैं नागराज एंड पूर्वा। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए प्लीज। वाओ, हाय, लाओ माइक्स, लाओ जल्दी लाओ माइक्स, दे दो फोटो, फोटो, यस फोटो, आइए आइए सब लोग आइए। ऐसा लग रहा है शादी। ओके ओनली जजेस, ठीक है मैं हट जाता हूँ। और इतने प्यार से बोल दो यार थोड़े, अरे मजाक कर रहा हूँ। हाँ मैं नीचे आ जाता हूँ, जैसे हमने उसमें किया था ना ऐसे। चीज़, अरे मेकअप है। सबसे पहले तुषार यहाँ खड़े हो जाओ, शशांक प्लीज़
यहाँ पर आइए आप थोड़ा दूर, ताकि अरे मैं माधुरी जी को कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ। फूल जब आपने छुआ तो खुशबू के भी होश उड़ गए, फूल जब आपने छुआ तो खुशबू के भी होश उड़ गए, आपने एक बार मुस्कुरा क्या दिया हम गुलजार साहब हो गए। वाह 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 वाह, थैंक यू। ये ना तू इतने अच्छी तरह अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करता है ना, आई स्वेयर यू आर द बेस्ट ब्रदर इन दिस होल वर्ल्ड। तू भारत का भाई है, तू कमाल है, यू आर अमेजिंग यार। मतलब तेरे कारण ना मेरी बहनें अब मुझे बोलने लगे कि भाई हो तो अर्जुन जैसा वरना ना हो, कसाई हो तो शशांक जैसा। माधुरी जी इनको बोलिए ना, दोनों फिर से शुरू हो गए यार। क्या है ना, ऐसी दीवानगी इस सेट पे होती रहेगी। तो देखो अर्जुन, तुम कितने 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 स्मार्ट हो ना, यस, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो ना, अच्छे अच्छे जवाब लाओ उनके लिए, क्यों? हाँ, बड़ा ताली मार रहे हो। इस सेट पे, इस मंच पे इस बार दीवानगी की हद पार करने वाले हम, इसलिए मैं सब दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि 15 जून को रात को 9 बजे जरूर देखिएगा डांस दीवाने। यस, कोलगेट प्रेजेंट्स डांस दीवाने सीजन 2।
बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पहला बहुत सक्सेसफुल रहा और हम चाहते हैं कि सेकंड भी उतना ही सक्सेसफुल रहे. इसकी एक खासियत है शो की कि तीन जनरेशन हैं इसमें. जो तीसरा जनरेशन है वो मुझे लगता है इस बार और भी उभर के आने वाला है क्योंकि लास्ट ईयर मुझे लगता है हमारे पास कंटेस्टेंट्स थे और उन्होंने बाकी लोगों को इंस्पायर किया है, ड्रॉ आउट किया है कि हम भी चाहेंगे इस शो पे आने के लिए. इसलिए हमारे इतने सारे चॉइसेस हैं फॉर थर्ड जनरेशन विच इज़ अमेजिंग फॉर मी. जी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो अच्छी चीज़ें थी सीज़न वन की उसे हम कंटिन्यू करें. डांस दीवाने जो जेनरेशन थ्री, आई थिंक जो सबसे यूनिक बात थी कि जेनरेशन थ्री जो था डांस दीवाने पे कलर्स पे वो बहुत कनेक्ट किया लोगों से. और हमारे को भी आई थिंक हम सबको इंडिविजुअली जब भी हम कहीं जाते थे तो लोग आके बोलते थे कि हमारी कुछ तमन्नाएँ थी जो पूरी नहीं हो पाई, इस शो के माध्यम से डांस दीवाने के माध्यम से वो तमन्नाएँ पूरी हो रही हैं. तो आई थिंक हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे स्ट्रेंथ्स थे हम उस पर फोकस करें, जो कुछ चीज़ें हम इम्प्रूव करना चाह रहे थे वो ऑटोमेटिकली होगी. आई थिंक हम सबको ऐसा लग रहा है कि कंटेस्टेंट्स इस बार और काफ़ी स्ट्रॉन्गर होंगे बिकॉज पहला सीज़न इतना अच्छा था. जनरेशन थ्री, जनरेशन टू, जनरेशन वन का जो बैटल होने वाला है मुझे लगता है इस बार ज़्यादा एक्साइटिंग होगा. माधुरी मैम, आप डांस दीवा, क्या आपको बोला जाता है 90s की आप क्वीन है डांस की, हम लोग देखकर बड़े हुए हैं, आपको आज के जो डांस स्टेप्स होते हैं या जो ऐड ऑन हुए हैं आपको लगता है क्या कितने चेंजेस हैं, टफ है, इजी है? आई थिंक हर जनरेशन के साथ एक अलग टफनेस आती है डांसिंग में. आज जनरेशन में जो टफनेस है वो है जो उनके ट्रिक्स होते हैं, उनके एक्रोबैटिक्स होते हैं वो बहुत ऐड हो गए हैं और उसकी वजह से और डांसिंग कठिन हो गया है. ऑफकोर्स एक्सप्रेशंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी एक कठिन, अभिनय जो है वो भी एक कठिन चीज़ है डांस की, उसे भी उन्हें मास्टर करना है, उनके ट्रिक्स भी मास्टर करने हैं और ग्रेसफुली डांस करना है. तो बहुत सारी कठिनाइयों के थ्रू उन लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं जिस दीवानगी से, पैशन के साथ, इसलिए नाम है इसका डांस दीवाने. लेकिन मैं एक बात मैम के बोलना चाहूँगा कि टेक्निक तो हम लोग सिखा सकते हैं लेकिन जो अभिनय की बात की मैम ने वो सिखाना बहुत सबसे मुश्किल है कि एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, वो आपके अंदर पहले से होने चाहिए तभी आप कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डांसिंग लेवल बहुत बढ़ गया है लेकिन जो एक्सप्रेशंस मैम देती थी और अभी देती है वो वैसा कंटेस्टेंट हमें अभी तक नहीं मिला है. तो आई थिंक इस सीज़न में शायद हमें कोई मिल जाए. अब जैसे कि आई थिंक शशांक ने बोला कि जो हमारा स्ट्रेंथ थी फर्स्ट सीज़न की उसी को आगे कंटिन्यू करके, और मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं हमारे ऑडिशंस के और जो हमें कंटेस्टेंट्स मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. आई थिंक पिछली बार से जो डांसिंग लेवल है वो बहुत बढ़ने वाला है इस बार. अर्जुन, किचन चैंपियन भी आप कर रहे हो तो कैसे टाइम मैनेज करोगे अपने शो के लिए, किचन चैंपियन के लिए, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे? सच कहूँ तो तीनों जो शोज आप जो जिनकी बात कर रही हैं वो तीनों कलर्स पर ही है तो वो आपस में ही मैनेज कर लेते हैं. कलर्स की जमाई है कि आज यहाँ शूटिंग है कल वहाँ शूटिंग है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ. कमिंग टू डांस दीवाने, आई थिंक हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि सीज़न टू आ रहा है. मैं एज अ होस्ट आई एम हियर टू हैव फन. ऑब्वियसली एक कंटेस्टेंट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप मेरा बनेगा एंड सबसे ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि माधुरी मैम है इसमें और जब भी उनके बारे में बात करूँ तो आई स्टार्ट ब्लशिंग. ऑफ कोर्स द बैंटर बिटवीन मी, शशांक एंड तुषार. डोंट ब्लश नाउ, स्टॉप ब्लशिंग. तो पिछले 6 महीने से सिर्फ जिम में ही था और वर्कआउट ही. किचन चैंपियन है ये, जिम चैंपियन है. उनके बीच जाता है, कपड़े उतारता है और बड़े बड़े एब्स बनाए उसने तो आपको वो सब भी देखने मिलेगा. शशांक बहुत अच्छा बोल, शशांक के एब्स नहीं देखने मिलेंगे, वो आपको सीजन 4 में देखने मिलेंगे. डायरेक्शन इजी होता है या फिर डांस शो को जज करना? डायरेक्शन इजी होता है या डांस शो को जज करना? ऑनेस्टली आई थिंक डायरेक्शन इज टफर. लकीली जो हमारा जजिंग का फॉर्मेट था वो काफ़ी अच्छा हो गया. माधुरी जी रियली हेल्प्ड अस इन द बिगनिंग और हमारे एक अच्छी केमिस्ट्री जम गई. डायरेक्शन बहुत टफ है, आप लोग देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से फिल्में आती हैं और कैसे फ्राइडे को एक ही दिन में जजमेंट हो जाता है. यहाँ पर एटलीस्ट हमारे पास इम्प्रूव करने का स्कोप होता है, हमारे पास एक फ्राइडे है उसी में डिसाइड हो जाता है एंड इट हार्डली टेक्स लाइक. आजकल तो मैंने नोटिस किया है कि 9 बजे फिल्म रिलीज़ होती है, 9:30 बजे पहला रिव्यू आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि तुमने पिक्चर देखी कब. तो यू नो, सो आई थिंक डायरेक्शन इज़ डेफिनेटली टफर पर जितना मज़ा मुझे यहाँ पर आ रहा है आई रियली होप कि नॉट जस्ट सीजन 2 बट इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वॉट अबाउट टैप डांसिंग? मैं सीख रहा हूँ.
मैंने मुझे मालूम है मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं टैप डांसिंग अभी आई होप देखने मिले कुछ सीख ले तो मेरा बॉडी वेट इतना है हाँ मतलब एक तो मेरा बॉडी वेट इतना है कि वो इट्स नॉट वेरी सूटेबल फॉर टैप डांसिंग तो माजी मैम आपकी फिल्म भी आ रही है अभी एज अ प्रोड्यूसर अभी तो कितनी एक्साइटेड है आप आपकी मराठी फिल्म आने वाली है आनी आ गई है नेटफ्लिक्स पे आई और 15 अगस्त है और उसका नाम प्लीज देखना आप बोल रहे हैं उसको आगे बहुत मराठी लैंग्वेज नहीं मेरे कंडोलेंसेस टू अजय जी फैमिली टू काजोल एवरी वन मैं उनके साथ बहुत काम कर चुकी हूँ बहुत बहुत अच्छे इंसान अ वेरी गुड फाइट मास्टर मुझे लगता है उन्होंने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता था जब भी पता चलता था कि वीरू जी एक्शन करने वाले हैं तो ये मतलब तसल्ली मिलती थी कि पूरा जो सेफ्टी होता है उसका वो पूरा ख्याल रखते थे और स्पेशली हीरोइंस का ख्याल रखते थे कि ज़्यादा कुछ करना ना पड़े बहुत बहुत अच्छे इंसान यू बी मिस्ड जी अगेन एज माधुरी जी ने कहा कि कंडोलेंसेस टू द फैमिली टू अजय जीज़ फैमिली टू काजोल जीज़ फैमिली एंड उनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं उनके एक्शन एक ज़माने में उन्होंने तब एक्शन किया था जब सेफ्टी फीचर्स कम हुआ करते थे एंड येट ही वुड एंश्योर दैट एज VFX नहीं होता था बॉडी डबल्स का रोल कम होता था तो उनको एक्चुअली एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम करना पड़ता था एंड ऑल आई कैन से इन दिस टाइम इज दैट प्रेयर्स टू द फैमिली मे हिज सोल रेस्ट इन पीस थैंक यू